हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और यहाँ पर मेरी हो गई है पूजा। देखिए, मैंने यहाँ पर अभी पूजा की, नहाना धोना हो गया मेरा, सारे साफ सफाई वाले जो मॉर्निंग के काम है सारे फिनिश हो गए। अब मैं छत पर आई थी पूजा करने के लिए, तो मैंने कहा चलिए यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल हुई थी बहुत तेज़ बारिश, तो आज काफ़ी अच्छे फूल खिल रहे हैं यहाँ पर फूल। और मनी प्लांट जो मेरा था वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है यहाँ पर। ये देखिए, जो ये जो गिलोय की बेल है, ये काढ़ा बनता था इसका, तो ये देखिए कितने अच्छे से ऊपर जा रही है, ऊपर चढ़ के। और आज है थर्सडे, तो मेरा व्रत है आज, और इसीलिए मैंने आज पीली साड़ी पहन रखी है। तो पीली साड़ी मेरे पास, मतलब ज़्यादा पीली नहीं, ये एकदम डार्क पीली है, तो मैं इसको ही पहन लेती हूँ। और कभी कभी सूट भी पहन लेती हूँ, कभी पीला ही पहन लेती हूँ, तो ऐसे। और अभी एक गुलाब खिला है मेरे गुलाब में, तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी सफ़ेद और जो और ऑरेंज है वो अभी कलियाँ हैं इसकी, तो ये भी खिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए पेड़ पौधों की जो रौनक है वो देखते ही बनती, कितना ग्रीन, जो नीम का सामने पेड़ है कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप। और ये पेड़ पौधों की देखिए एकदम जो पत्तियाँ होती काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हो जाती है, बारिश से धुल के एकदम साफ हो जाती है पत्तियाँ, उनकी धूल मिट्टी सब हट जाती है, तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो चलिए अब मैं चाय भी बना लूँ चल के नीचे। तो अभी आई थी मैं छत पर बस पूजा करने के लिए, नीचे चल के चाय और नाश्ता अभी देना है सबको चल के, तो चलिए अब नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फैला लेती हूँ कपड़े और मैं चाय और मतलब अभी जाके नीचे बनाऊँगी अपनी व्रत वाली। बाकी और सब लोग का नाश्ता और चाय हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो छत पे थोड़ी देर सुबह डाल देती हूँ तो थोड़ा सा मतलब सूख जाते हैं कपड़े, और फिर बारिश आने अचानक से ही आ जाती है तो वो फिर से उठाने पड़ते हैं। तो आजकल जो कपड़े सूखने का बड़ा काम रहता है कि बार बार छत पे डालो फिर नीचे लेकर आओ, क्या है ना कि नीचे सूखते नहीं है, बालकनी में डाल देती हूँ तो धूप मतलब बरसात हो जाती है तो मतलब गीले गीले कपड़े रहते हैं, फिर उनमें अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो बारिश में कपड़े भी सुखाना मतलब बहुत ज़रूरी रहता है। और फ्रेंड्स, अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपने कमेंट भी ज़रूर भेजिएगा कि जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ आप अपने कमेंट भी भेजिए कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, आपको पसंद आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला लेती हूँ और फिर मुझे नीचे चलना है। नीचे चल के मैं चाय बना लूँगी अपने लिए और मूँगफली दाना रखा है उसको खिलाड़ लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आके चढ़ा दी चाय और दाना, ये मूंगफली का बना ले रही हूँ, तभी मॉर्निंग में सुबह बना लूँगी, फिर रखा रहेगा तो शाम तक हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ, पापा ने बोला था कॉफ़ी बनाने के लिए तो उनकी बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि वो चाय बार बार पीने में उनको थोड़ा सा गैस बनने लगती है, तो उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए कॉफ़ी बना देना, तो मैं यहाँ बना रही हूँ कॉफ़ी। और मेरा जो खाना पीना था वो तीन ही लोग थे, मम्मी हस्बैंड तो सुबह खा के ही निकल जाते हैं, युवराज मम्मी और पापा। तो युवराज अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो स्कूल से आ जाते हैं जल्दी, तो हो गया था खाना पीना सारा फिनिश हो गया यहाँ। तो फिर तभी मैंने उसके बाद व्रत की चाय बनाई थी साफ़ करने के बाद किचन, कहना कि व्रत रहता है तो थोड़ा सा रहता है कि अब खाना बन गया रोटी बन गई तो इस पर अभी नहीं, मतलब जब साफ़ हो जाता है तभी करती हूँ तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पापा को देने जा रही हूँ मैं कॉफ़ी, तो यहाँ कॉफ़ी बन के हो गई तैयार मेरी। क्या है ना कि वैसे भी बहुत मतलब काम रहता है तो जल्दी 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 सारा मतलब निपटाने क्या रहता है कि जल्दी से ख़त्म हो काम। और यहाँ पर मैं युवराज के लिए मुझको लेनी टी शर्ट, तो मैं थोड़ा मार्केट गई थी, मार्केट में मैं देख रही थी टी शर्ट युवराज के लिए, तो मुझे कोई उतनी पसंद नहीं आ। तो फ्रेंड्स, क्या है ना आज थोड़ा सा लेट हो गया ना, एक लोग मिलने वाले आ गए थे तो यहाँ मुझे हो गया पूजा करने में थोड़ा सा लेट। तो अभी बज रहा है शाम का 7:30 और मैं पूजा करने के बाद फिर मुझको रोटियां भी बनानी है, बाकी सब्जी तो मम्मी ने बना के रख ली है, तो अभी जाके मैं बस रोटियां सेक दूंगी। तो यहाँ पूजा ख़त्म होने के बाद फिर मैं सब लोग खाना खा लेंगे और मैं तो सिर्फ प्रसाद ही खा लेती हूँ, जो मैं प्रसाद बनाती हूँ उसी को खा के बस पानी पी लेती हूँ, मन करता तो चाय भी बना लेती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पर एंड करूँगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं बोलूँगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी भेजिएगा,
क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं उसी से मुझको पता चलता है मैं मतलब मेरा ब्लॉग कैसा मतलब मैं कैसा बना रही हूँ। तो प्लीज़ अपने कमेंट भी ज़रूर भेजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।